हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और मैं हूँ रेखा। आज की वीडियो में आप देखेंगी हेयर सीरम के बारे में कि किस तरीके से आप उसे घर पर बना सकती हैं, हेयर सीरम के क्या फ़ायदे हैं और मार्केट में मिलने वाला कौन सा हेयर सीरम अच्छा है। तो आज इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको हेयर सीरम से जुड़ी हुई वो सारी जानकारी मिलेंगी, ठीक है, इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सब बिफोर आफ्टर देख रही हैं वो इस तरीके से है जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। तो आपकी बाल देख रही हैं कि फ्रिजी है। तो सबसे जो फ़ायदे वाली चीज़ है सीरम का, जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आपकी फ्रिजीनेस और ड्राइनेस वो सब कुछ जो है सीरम को लगाने से मिलता है। तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो ये होता है आपको सीरम लगाने का कि आपके बाल शाइनी और सिल्की और स्मूथ, ये सब कुछ आपके बालों को मिलता है सीरम लगाने से, ठीक है। आप यहाँ पे देख रही हैं स्क्रीन पे। और सीरम के क्या फ़ायदे हैं, सीरम क्या करता है, हीटने से प्रोटेक्ट करता है। जैसे हम बहुत सारी मशीन वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे मॉइस्चर डैमेज होते हैं, जबकि अगर हम सीरम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बालों पर असर नहीं पड़ता, हमारे बाल डैमेज नहीं होते हैं, क्योंकि सीरम एक हमारे बालों पर एक लेयर क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो ये होता है। और प्लस क्या होता है कि जितने भी बाहर के जैसे सन से प्रोटेक्ट करता है, जैसे हमारी स्किन के लिए सनस्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक उसी तरीके से हमारे बालों के लिए भी सीरम की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो हीटनेस से प्रोटेक्ट करे, ठीक है। तो ये हो गया कि आपके सीरम के फ़ायदे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हेयर वॉश करते हैं तो हमारे बाल बहुत उलझे से रहते हैं, हम कॉम करते हैं तो वो जो है बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, फिर टूटते बहुत हैं, बीच से टूटते हैं, जबकि सीरम इस्तेमाल करने से आपके बाल बहुत शाइनी हो जाते हैं, बहुत मुलायम और सॉफ्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है कि आप उसमें बहुत अच्छे से कॉम कर पाते हैं, आपके बाल बीच से नहीं टूटते हैं। तो सीरम के बहुत सारे इसके अलावा भी फ़ायदे हैं, लेकिन जो मेन फ़ायदा ये है कि आपके जितने भी ड्राइनेस होती है वो तुरंत आपको जो है आप स्मूदनेस में हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है, तुरंत ही आपको रिजल्ट मिलता है सीरम लगाने से, ठीक है। अभी आता है कि किस ब्रांड का सीरम आपको लेना चाहिए। तो बहुत सारी ब्रांड हैं, बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट हैं, लेकिन आज जो मैं बता रही हूँ इस वीडियो में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वो है खादी का, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है पूरी तरीके से हर्बल है, किसी भी तरीके का केमिकल नहीं इस्तेमाल किया गया है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सभी हर्बल हैं और आपके बालों के लिए अच्छा होता है, इसलिए मैंने ये खादी का आपको जो है सीरम आप लोगों को बोला है। तो आप लोग जो लोग भी इसको यूज करना चाहती हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया तो उसके थ्रू जाके आप ले सकती हैं। और एक इसको इसलिए मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया है कि ये बहुत सस्ता है एक हिसाब से, सीरम के जो हिसाब से जो हम लोग नॉर्मली अभी जो ब्रांडेड यूज़ करते हैं उससे काफ़ी सस्ता है, उससे रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि मैंने दोनों यूज़ किया है, तभी आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि मैंने बहुत महंगे ब्रांड भी यूज़ किए हैं और बहुत इसको भी इस्तेमाल किया, तो मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा हुआ है, यानी कि हम लगभग 1000 के आसपास के भी सीरम इस्तेमाल किए और ये सिर्फ 200 का है, तो इनमें सबसे ज़्यादा मुझे यही अच्छा लगा, तो इसलिए मैं इसको रिकमेंड कर रही हूँ आपको। अभी आता है कि आप सीरम को घर पर कैसे बनाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बजट नहीं बनता है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को घर पर बनाना बता दूँ। तो सबसे पहले आपको लेना है एलोवेरा, क्योंकि एलोवेरा जो होता है वो हमारे बालों में मॉइस्चर भी देता है और सन से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो हमारे बालों को क्या चाहिए होता है कि हमारा बाल स्मूथ हो, तो जो कि एलोवेरा भी स्मूथ करता है, शाइनी करता है, मुलायम करता है, सब कुछ करता है। तो उसके बाद हीटनेस से प्रोटेक्ट करता है, सन से प्रोटेक्ट करता है, जितनी भी सनस्क्रीन होती है उसमें एलोवेरा ऐड होता है। तो उसी तरीके से आपको एलोवेरा लेना है, फ्रेश एलोवेरा आपको अगर डाल से काट के आप लीजिए, उससे जेल निकालिए तो ज़्यादा वेस्ट है, तो आप एलोवेरा जेल लीजिए, उसको जो है एक पतला उसका जूस जो होता है उसको लीजिए और 10 मिनट तक आपको हल्की आंच पर उसको पकाना है, बहुत हल्की आंच पर, फिर उसको छान लेना है और फिर उसमें आपको जो ऐड करना है वो है आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल जो है यानी कि बादाम का तेल, वो क्या है कि चिपचिपापन उसमें नहीं होता है, अगर वो तेल जो भी इस्तेमाल करते हैं उसमें आप देखेंगे उसमें चिपचिपाहट नहीं होती और अदर जितने भी तेल हैं उसमें होती है, जबकि आलमंड ऑयल में चिपचिपाहट नहीं होती है। तो आपको उसको थोड़ा सा आधा चम्मच ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद उसमें आपको जो ऐड करना है वो ऐड करना है बहुत थोड़ा सा कंडीशनर, ठीक है। इन तीनों चीज़ को मिक्स करके आपको एलोवेरा लेना है, एलोवेरा लेना है
और उसमें आपको थोड़ा सा आलमंड ऑयल मिक्स करना है, फिर उसके बाद आपको उसमें थोड़ा सा कंडीशनर, इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर आपको एक बॉटल में रख लेना है और हेयर वॉश करने के बाद इसे आप, जब आपका 50% बाल थोड़ा सा सूख जाए और जो है थोड़ा सा नमी रहे, तब आपको इसको हेयर में लगा लेना है। और आप देखेंगे कि इससे आपको जितने मार्केट में मिलने वाले हेयर सीरम के जो फ़ायदे होते हैं, उससे कई गुना इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि हेयर सीरम से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में उसका सलूशन मिल गया होगा कि घर पर कैसे सीरम बनाएं और मार्केट में जो सीरम लेना है वो ले सकती हैं और सीरम के क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट।